बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं क्वांटम फिजिक्स के एक इस तरह के से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट लेके हाजिर हुआ हूँ। एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे, उसको डिस्क्राइब और उसको समझाएंगे, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो वेव नेचर शो करेंगे, और इसको कहते हैं डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट ऑफ डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रेक्शन दिखाएंगे। एक्चुअली डेविसन एंड जर्मर ने यूज़ किया था निकल क्रिस्टल्स, लेकिन निकल क्रिस्टल की जगह पर आप कार्बन फिल्म भी यूज़ कर सकते हैं या ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट तो सेम तकरीबन सेम ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन का फॉर्म है बल्कि। तो आप देखिए कि अब एक कार्बन फिल्म बहुत ही कार्बन फिल्म लूँगा या फिर आप निकल क्रिस्टल्स ले सकते हैं। इसकी वजह है एक्चुअली कार्बन में देखें, जो कार्बन में जो एटम्स की स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ एटम्स इन कार्बन फिल्म जो होती है वो ऑर्डर होती है 10^-12 मीटर ऑर्डर की। तो जो हम वेव यानी जिस तरीके से हम वेवलेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वेवलेंथ अगर यानी डिब्रॉज इक्वेशन से, डिब्रॉज इक्वेशन तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम मास ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कहूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देते हैं, मैं कैलकुलेट करके आगे दिखाऊंगा आपको, तो ये तकरीबन इससे जो ऑर्डर आता है वो 10^-12 मीटर का ऑर्डर आता है, इसीलिए कार्बन फिल्म को यूज किया जाता है। अच्छा, अब देखें इस एक्सपेरिमेंट में यह साबित करना था कि पार्टिकल्स जो है वो वेव नेचर दिखाते हैं, और देखें कि पार्टिकल्स यानी अगर ये डायफ्रेक्शन इलेक्ट्रॉन्स शो कर देते हैं तो ये बात साबित हो जाएगी कि लाइट जो वेव्स थी वो पार्टिकल नेचर दिखाती है, और इसी तरह पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो वेव नेचर दिखा सकते हैं। और ये प्रूव हो चुका है, और हम प्रूव करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट है, किस तरीके से होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक गन है, यह फ्लामेंट है, टंगस्टन फ्लामेंट या कोई भी ले लें, ये 6 वोल्ट की बैटरी, इसको ये इलेक्ट्रॉनिक गन है। ये देखिए थर्मोआयनिक एमिशन होगा, ड्यू टू थर्मोआयनिक एमिशन इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम फ्लामेंट। ये पूरा इलेक्ट्रॉन गन है सारा कुछ, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन निकला एक 6 वोल्ट की बैटरी के, इसको हीट अप किया। अच्छा, इधर एक इलेक्ट्रोड है जो सी इलेक्ट्रोड है, या इसको ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये इसको थोड़ा सा रिपेल करेगा, ऐसी चीजें जाने देगा कि बिल्कुल स्टेट में जाए। ये कंट्रोल है, कंट्रोल ग्रिड कह दूं, जिस तरीके से सीआरओ में होता है, ये कंट्रोल करेगा बीम को। और इधर एक जो है डिस्टेंस पे पॉजिटिव एनोड है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इसको एक्सीलेट करके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो है ये पूरा सेटअप इधर से इधर तक ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉनिक गन है। अच्छा, इधर जो है ये कार्बन फिल्म लगी हुई है, ये कार्बन फिल्म, ठीक है, कार्बन फिल्म इधर के पीस का पीस ऑफ कार्बन फिल्म लगाया हुआ है, क्योंकि इसके स्पेसिस 10^-12 मीटर के हैं। इधर स्क्रीन है, ये फ्लोरोसीन स्क्रीन है, फ्लोरोसीन स्क्रीन है ये, यानी जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो इधर जो है ना सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। अच्छा, अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर से, मतलब क्रिस्टल से इधर से गुजरेंगे, तो अगर ये पार्टिकल्स हैं तो सब एक डॉट, इस तरह मतलब डॉट्स शो होने चाहिए थे। अगर ये पार्टिकल्स होते, मैं लिख देता हूँ, इफ इलेक्ट्रॉन्स शो पार्टिकल नेचर then only spots on fluorescent screen will be observed। लेकिन हमने ये देखा कि लेकिन this doesn't happen, हम कहते हैं ये होता नहीं है,
एक्चुअली जर्मर और डेविसन ने निकल के क्रिस्टल्स यूज किए थे वो, और उनके थोड़ा सा एंगल पे डिफ्लेक्ट करके थोड़ा सा उनका एक्सपेरिमेंट डिफरेंट था, लेकिन हमें मोर ऑर लेस उसका मकसद यही है। आजकल तो कार्बन फिल्म के साथ भी किया जाता है, ये डॉट्स नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से पास हो रहे थे तो ये कंटिन्यूस ये रिंग्स नज़र आ रही थी, ब्राइट रिंग्स इलेक्ट्रॉन्स की, इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स के साथ ये रिंग ब्राइट थी और इसके बीच में ये डार्कनेस था, यानी डार्कनेस और ब्राइटनेस अल्टरनेट हाउस, ये इनका अगर ये पॉइंट दे दूँ इसके, यानी ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स नज़र आ रहे थे और ब्राइट ये डार्कनेस, फिर ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, ऐसा इस तरीके से डार्कनेस और ब्राइटनेस हासिल हो रहा था। यानी आपका ये इंटरफेरेंस या बेसिकली क्योंकि ये डायफ्रेक्ट होकर आ रहा है तो ये हम डायफ्रेक्शन कहेंगे, तो जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी इट वॉज ऑब्जर्व या इट वॉज ऑब्जर्व दैट, या अगर प्रेजेंट टेंस में बात करें तो इट इज ऑब्जर्व करें, क्योंकि मैं सारी प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, इट इज ऑब्जर्व दैट ब्राइट कंटिन्यूअस रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर एक होता है, या सेम सेंटर कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑब्टेन, मिलती है, यानी ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही है और बीच में उनके डार्कनेस है, इसका मकसद है इंटरफेरेंस हुआ है या डायफ्रेक्शन हैज टेकन प्लेस, डायफ्रेक्शन हुआ है, यानी इसका मकसद ये हुआ कि हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो इसका मकसद ये हुआ कि पार्टिकल्स कैन ऑल्सो शो वेव प्रॉपर्टीज, क्योंकि डायफ्रेक्शन बेसिकली एसोसिएट होता ही वेव के साथ है, तो हमने ये साबित कर दिया डेविसन और जर्मर ने कि ये जो है ना पार्टिकल्स ये भी वेव नेचर दिखाते हैं। यानी पहले देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें ये था कि वेव जो है पार्टिकल नेचर दिखाते हैं, अभी ये आइडिया इन यानी बेसिकली इक्वेशंस तो डी ब्रॉय ने दी थी, लेकिन इनको प्रूव किया डेविसन और जर्मर ने कि वाकई भी पार्टिकल्स जो है वो वेव नेचर दिखाते हैं। अब इनकी वेवलेंथ एसोसिएट जो होती है लैम्डा का फार्मूला इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो हम देखेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि वेवलेंथ वाकई यानी ये कार्बन फिल्म ये क्यों लिए जाते हैं या निकल्स क्यों लिए जाते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि जो डिब्रॉयज इक्वेशन है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे ये दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन दोनों के दरमियान ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इनका अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है, पोटेंशियल का डिफरेंस कैपिटल वी है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एनर्जी ई होगी वो बराबर होगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। एनर्जी ई बेसिकली इनको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, तो मैं कह सकता हूँ 1/2m। अब ये कैपिटल वी है, मैं छोटा सा वी वेलोसिटी का इस्तेमाल करूँगा तो इस तरह करके 1/2m² इज इक्वल टू वी ई, तो इससे वी स्क्वायर आ जाता है 2ve/m के, तो इससे वी आ जाता है 2ve/m अंडर द रूट के, स्क्वायर रूट के। अब ये इसमें पुट कर दूंगा तो ये देखिए लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम, ये तो लैम्डा आ जाएगा एच अपॉन एम इंटू इस वी की जगह ये पूरा लिख दूं 2ve/m अंडर द रूट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूव करने के लिए आती है, तो देखें इसको लैम्डा इज इक्वल ये एच अपॉन ये एम है, इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ रूट एम इंटू रूट एम, और इंटू इसको सेपरेट करके लिखूँ 2ve रूट में अपॉन ये रूट एम, ये रूट एम कहते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा, देखें अगर 5 है 5 को लिखा जा सकता है रूट 5 इंटू रूट 5, या नहीं 2 को लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये एम है इसको मैं रूट एम इंटू रूट एम लिखा, तो रूट एम ये रूट एम कैंसिल हो गया, तो हमारा ये लैम्डा जो है लैम्डा आ गया एच अपॉन 2ve/m स्क्वायर रूट के अंडर रूट के, यानी ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट हमें पता है कि ये भी इक्वेशन प्रूव करने की आती है, बट वी ई जो है ना वी कैपिटल वी एनर्जी के फॉर्म है, तो एनर्जी के फॉर्म में भी इक्वेशन दे सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल आता है एच अपॉन 2ve/m अंडर रूट के,
क्योंकि ये VE जो एनर्जी है इस तरह भी आ सकता है. तो ये देखें कि ये हमारा वेवलेंथ आता है 2H अपॉन 2VM अंडर रूट के. एक दफा फिर देखें कि बेसिकली देखें कि अगर मैं शुरू से करूं, एक दफा फिर ये आपको दिखा रहा हूं, देखें कि आपको समझ आ सके. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. देखिए मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा H अपॉन P के, और लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P होता है मोमेंटम एम वी के. ये वी वेलोसिटी है. तो हमें पता है कि बेसिकली अब वी का इसके वैल्यू निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ई जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी इंटू ई होता है, और ये होता है 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैपिटल ई के. तो वी जो आ जाता है वो आता है 2VE अपॉन एम अंडर द रूट के. वो इसमें लिखेंगे, इसमें रखेंगे तो ये लेमडा आ जाता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम को सेपरेट इंटू इस वी की जगह ये रखूंगा 2VE अपॉन एम अंडर द रूट के. तो ये एम दो दफा लिख सकता हूँ इसे, एच अपॉन ये रूट एम इंटू रूट एम इंटू ये, इसको सेपरेट लिखूँ 2VE अंडर रूट में अपॉन एम अंडर रूट सेपरेट कर दूँ, रूट एम में कैंसिल, तो लेमडा हो जाता है एच अपॉन 2VE एम अंडर रूट के. क्योंकि वी एनर्जी है तो एनर्जी के फॉर्म में लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2E एम अंडर रूट लिखा जा सकता है. मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों यूज करते हैं 10^-12 मीटर का ऑर्डर या कार्बन फिल्म या निकल्स को क्यों यूज किया गया, निकल क्रिस्टल्स को. तो बेसिकली आप ये इक्वेशन देखें कि लैम्डा हम देखना चाहते हैं कि लैम्डा किस ऑर्डर का है. देखिए डायफ्रेक्शन कब होता है, डायफ्रेक्शन तब होता है अगर जिस ऑर्डर का लैम्डा हो उसी ऑर्डर की यानी गैप हो, यानी विड्थ ऑफ द गैप हो, विड्थ ऑफ द गैप हो. जो कार्बन क्रिस्टल से या कार्बन एटम से ये गुजर रहा है तो उनकी कार्बन की होती है विड्थ तकरीबन 10^-12 मीटर ऑर्डर की. तो हम नॉर्मल वैल्यूज के साथ देखेंगे कि लैम्डा तकरीबन इस ऑर्डर की होती है. तो देखें लैम्डा अगर ये मैं पुट करूँ, एच होता है 6.63 इंटू 10^-34 अपॉन 2 इंटू वी. अगर ये मैं पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट के करीब लूँ, 500 वोल्ट होता है या ये तकरीबन 1000 वोल्ट अगर दे दूँ, वैसे तो 500 वोल्ट भी आप ले सकते हैं अगर 1000 वोल्ट तक नॉर्मल होता है एक्सीलेट करने के लिए. तो अगर ये एक्चुअल वैल्यूज है 1000 दे दूँ और ई है 9.1 इंटू 10^-31 मास ऑफ ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया. ई जो है वो है 1.6 इंटू 10^-19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10^-31 स्क्वायर रूट करें. और इसका आप जो है एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेना चाहें, मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको. 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 अपॉन स्क्वायर रूट में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं पहले कैलकुलेशन नहीं की, 1000 इंटू 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 और इंटू 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 ये पूरा किया तो ये आता है तकरीबन 3.88 यानी 3.885 इंटू 10^-11 मीटर आ रहा है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.9 इंटू 10^-11 मीटर. क्योंकि वो देखिए 10^-12 मीटर ऑर्डर का, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 39 इंटू 10^-12 मीटर. तो देखिए ऑर्डर 10^-12 मीटर आ गया. यानी ये ज़रूरी है कि हम ये जो डायफ्रेक्शन के लिए है वो कार्बन फिल्म इस्तेमाल करें या इस तरह का इस्तेमाल करें जिनकी जो यानी गैप है या विड्थ है दो एटम्स के दरमियान में, तो वो 12^-12 मीटर हो. तो आप देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमने साबित किया कि वेव यानी पार्टिकल जो हैं वो भी वेव नेचर दिखा सकते हैं, और ये साबित हुआ है हमारा डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से.